गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज हम दोनों जा रहे हैं, मम्मी और मैं, हेयर कटिंग के लिए। तो जनरली मैं दूसरे सैलून से हेयर कटिंग करवाती हूँ काफ़ी सालों से, बट एक सैलून यहाँ पे पास में हुआ है और दूर जाने का टाइम नहीं था, सो हमने सोचा कि हेयर कटिंग पास में करवाते हैं और मैं भी करवाऊँगी और मम्मी का भी मेकअपर करेंगे। तो मम्मी का भी बाल जो है, दिखाए पीछे, ऐसे लंबे बाल है तो अभी हम लोग कटिंग देखते हैं कौन सी करवाती है। तो मम्मी के तो शॉर्ट ही करवा रहे हैं हेयर कटिंग, तो आपको मिलती हूँ हेयर कटिंग करवाने के बाद में, लच्ची की कैसा है। तो मेरे भी बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं, अभी मैंने दिसंबर में, नवंबर एंड में कटिंग करवाई थी और काफ़ी लंबे हो गए हैं फरवरी तक। लेट्स गो। सो फॉर मम्मी हमने डिसाइड करा कि शी विल गो फॉर स्टेप कट, बिकॉज स्टेप कट अच्छा लगता है और उनको छोटी लेंथ चाहिए थी, प्लस ऐसे बाल जिसमें वो अपने बाल को ओपन रख सके, प्लस क्लचर लगा के, मोस्टली जो रहना पसंद है उनको तो वो क्लचर लगा के रखना चाहती हैं। तो उसके हिसाब से वी डिसाइडेड दिस स्टेप कटिंग। तो पहले तो नॉर्मली वो ब्रेड करती थी, तो अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे हेयर वॉश। ओके, तो अभी है मेरी टर्न और मैंने जो हेयर कट करवाया है उसमें मैंने लेयर्स ही ली हैं, जो कि मुझे हमेशा पसंद है। लेयर्स में मैंने शॉर्ट लेयर्स इस बार ली है और अराउंड मैंने 7-8 इंचेस की लेंथ जो है कटवा दी है अपने बालों की, तो बाल ग्रोथ होती है तो इसलिए मैंने कटिंग करवा दी है काफ़ी बालों की।
सो यहाँ पे जितने आप लेंथ देख रहे हो दैट इज़ माई टोटल हेयर लेंथ नाउ। सो काफ़ी डिफरेंट, मेरी काफ़ी ज़्यादा लेंथ गई है बालों की। तो ये है मम्मी की न्यू हेयर कटिंग। कैसे लग रहे हैं नए नए बाल? बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाइट दिस डॉग डेली। ओके, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाइट वाल? लाइट। मम्मी है अभी पोज के मूड में। जब मुंबई आती है ये हेयर कटिंग करवा के जाती है। ओके गाइस, सो ये है मेरी हेयर कटिंग। तो बस इतनी लेंथ है जो आपको दिख रही है, बस वही है मेरी हेयर कट। मैंने काफ़ी लेंथ कटवा दी है क्योंकि अभी बहुत बढ़ने वाले हैं बाल। बढ़ने वाले मतलब मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है तो काफ़ी बढ़ जाते, तो 3-4 मंथ में फिर से काफ़ी अच्छी लेंथ हो जाएगी। तो लाइट फील कर रही हूँ मैं, तो जस्ट शॉर्ट लेयर्स मैंने इस वक्त करवा ली है काफ़ी। ये है मेरे बालों की लेंथ अभी, बट अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाइट सा लग रहा है जब थोड़े स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं। क्योंकि जनरली अभी मैंने जब आप हेयर कलर करवाते हो आप जितनी मर्जी केयर करो थोड़ा बहुत तो स्प्लिट एंड्स हो ही जाते हैं, तो मेरे ऐसे हो गए थे स्प्लिट एंड्स वगैरह, तो फिर इसलिए मैंने कटिंग करवा दी। वैसे भी मैं एवरी थ्री मंथ्स मैं कटिंग करवाती रहती हूँ, ट्रिमिंग मोस्टली करवाती हूँ, बट इस बार थोड़ी लेंथ ज़्यादा मैंने शॉर्ट कर ली है। तो नेक्स्ट तो अभी मेरा छोटा होने वाले हैं ज़्यादा बाल, वो हमेशा से मेरे विश लिस्ट में रहे हैं तो वो होंगे। और फ्यू थिंग्स जैसे कि आप लोग पूछते हो हेल्दी बालों के लिए, तो हेल्दी बालों के लिए प्रोटीन बहुत ही अच्छी चीज़ है। जितना प्रोटीन खाओगे उतना अच्छा है आपके बालों के लिए। देन रेगुलर हेयर ऑयलिंग करो। हेयर ऑयलिंग जब आप करते हो तो ज़रूरी नहीं आपको 2-3 दिन रखनी है जो लगा के डेली बाहर जाना है। इट्स जस्ट कि आप लगाओ, मसाज करो और 2 घंटे के बाद वॉश कर लो। ऑल्सो डू होम रेमेडीज़ लाइक हेयर मास्क, एग मास्क एंड ऑल। तो ऐसे से आप चीज़ें कर सकते हो जिससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं काफ़ी। तो मैं ये करती रहती हूँ चीज़ें। तो दही बहुत लगाती हूँ बालों पर, तो दही इज़ वेरी गुड सोर्स कि आपके बालों बाल अच्छे रहेंगे उससे। तो ये है, अभी आई एम वेटिंग फॉर दीपक लच्ची कि वो कैसे बोलते मेरे बालों को। तो वो कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ ज़्यादा डिफरेंस लगेगा जब तक छोटे नहीं होते बाल। तो मे बी वो मम्मी को देख के वो आई डोंट नो कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे। तो लच्ची मैं दीपक का पूरा बाबू लगता है, कितने नज़र ना लग जाए मेरे पोते नो। सानू नज़र लगनी चाहिए है बहुआ नज़र लग। अच्छा मम्मी अपने बाल तो दिखाओ दीपक। देखो काका, जो तो मैं करा लिया, तेरी माँ बन गए मॉडर्न। दीपक सवेरे देखे से ना बाल मम्मी गुत्त पहला पिछे था, मम्मी पिछे घूमो पिछे लो घूमो। मतलब हम लेडीज लोग इतने खुश होते बाल और एक जेंट्स बोल के हाँ ठीक है। ओके सो अभी ये व्लॉग मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। एंड आई नो कि आप लोगों को व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ जो सिटिंग वीडियोस होती हैं, रिव्यूज़ वीडियो होती हैं उनके कंपैरेटिवली ये व्लॉग्स। तो आजकल आप ज़्यादा व्लॉग्स ही देखोगे क्योंकि व्लॉग्स में मुझे लगता है मेरे हिसाब से व्लॉग्स में इतनी एनर्जी नहीं लगती है बिकॉज आप बैठे हो और आप शूट कर रहे हो, और डेडिकेटेड वीडियोज जो होती हैं उनके लिए आप प्रॉपर बैठते हो, टाइम लगता है ये वो। तो बहुत सारे व्लॉग्स देखोगे आप अभी। एंड आई विल फिनिश दिस व्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी। बाय।